ओके तो हम इस वीडियो में देखेंगे ऑपरेशन टूल बार। ऑपरेशन टूल बार में तो हम शुरू करेंगे कॉर्नर कमांड से। तो कॉर्नर कमांड का यूज होती है, अगर हमें स्केच में दो लाइन को इनसाइड है, अगर हमें उस लाइन को ट्रिम करके उसमें उसे आर्क में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम कॉर्नर कमांड को यूज करेंगे। ओके तो फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ओके और मुझे इस कॉर्नर को आर्क में ट्रांसफॉर्म करना है। ओके तो मैं ऑपरेशन कमांड, ओके ऑपरेशन टूल बार में कॉर्नर कमांड पर क्लिक करूंगा और जस्ट ये कॉर्नर सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ये आर्क मिल जाएगा। ओके फिर से एक बार करते हैं, हम इस कमांड का यूज जस्ट दो लाइन को क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर कॉर्नर को क्लिक करके भी कर सकते हैं। ओके तो एक बार फिर से यूज करते हैं, जस्ट कमांड पर क्लिक किया और जो भी दो लाइन हमें ट्रिम कर उसको कॉर्नर उसका कॉर्नर आर्क में करना है तो हम उस लाइन को क्लिक करेंगे। ओके और माउस को ड्रैग कर जैसा भी हमें आर्क चाहिए वहां पर क्लिक करेंगे तो हमें ये कॉर्नर का आर्क मिल जाएगा। ओके एक बार फिर से यूज करते हैं, जस्ट कमांड पर क्लिक कीजिए, दो लाइन पर क्लिक कीजिए या फिर कॉर्नर पर क्लिक कीजिए। ओके तो वो एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम होकर हमें ये आर्क मिल जाएगा। अब कॉर्नर कमांड यूज करते समय यहाँ पर स्केच टूल में हमें कॉर्नर कमांड की 6 टाइप्स दिख रही है। ओके तो फर्स्ट कमांड क्या है, तो ट्रिम ऑल एलिमेंट्स। ओके मतलब हम जो भी दो एलिमेंट्स मतलब दो लाइन सिलेक्ट किए वो एक्स्ट्रा की लाइन ट्रिम होकर ये आर्क बन गया। ओके दूसरा क्या है, फर्स्ट ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब पहले से मैंने ये सिलेक्ट किया और ये फर्स्ट लाइन पर क्लिक किया और ये सेकंड लाइन पर क्लिक किया तो फर्स्ट लाइन ट्रिम होके सेकंड लाइन वैसे की वैसे ही रह जाएगी। ओके तो नेक्स्ट क्या है, ओके तो नेक्स्ट नो ट्रिम। ओके तो अगर मैं ये कमांड पर क्लिक करूंगा और दो लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो ये दो जो लाइन है वो ट्रिम नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर दो लाइन ट्रिम नहीं हुई है। ओके तो एक बार फिर से हम नेक्स्ट देखते हैं, कमांड पर क्लिक किया, फोर्थ वन है स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम। ओके मैं यहाँ पर क्लिक किया और जस्ट लाइन सिलेक्ट की तो मुझे यहाँ पर भी दो लाइन ट्रिम होती हुई नहीं दिख रही है। ओके तो आर्क भी मिल जाएगा और ये दो लाइन ट्रिम भी नहीं होगी। ओके तो नेक्स्ट टाइप है कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम। ओके तो कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम मतलब ये देखो ये सिंबल में दिख रहा है, मतलब ये जो दो लाइन ट्रिम नहीं हुए वो कंस्ट्रक्शन में चली जाएगी। ओके कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम पर क्लिक करते हैं और जस्ट दो लाइन पर क्लिक करते हैं और जहां पर भी हमें आग चाहिए वहां पर क्लिक करते हैं। ओके तो ये देखा ये लाइन ट्रिम तो नहीं हुई पर वो कंस्ट्रक्शन में चली गई। ओके जब भी हमें स्केच बनाना है, ओके तो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ये कॉर्नर कमांड यूज करेंगे। तो हम एक बार फिर से ये कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम पर क्लिक करते हैं और कमांड सिलेक्ट करते हैं तो ये एक्स्ट्रा की लाइन ट्रिम हो जाती है और रिमेनिंग जो भी लाइन कोइंसाइड हो रही है वो कंस्ट्रक्शन में चली जाती है। ओके तो ओके तो हम इस वीडियो में देख लिया कॉर्नर कमांड कैसे यूज करते हैं। ओके तो अगली वीडियो में हम देखेंगे चैम्फर कमांड।